आप लोग न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा आपने देखा वीडियो की एडिटिंग में वैनिश एडिटिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको ऐसी वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको इस टाइप की वीडियो शूट करनी होगी। तो मैं एक बार ये वीडियो आपको पूरा दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो पूरा देख लें। तो वीडियो पूरा देख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, उस वीडियो को एडिट करने के लिए काइन मास्टर ओपन करना है और काइन मास्टर में आपको उस वीडियो को लेकर आना है। तो काइन मास्टर में लेकर आते हैं उस वीडियो को हम। तो यही है वो वीडियो जो मैंने एडिट किया और आपने इस वीडियो में देखी भी है, वो वैनिश एडिटिंग। तो इसे क्या करना है आपको, एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा। तो वीडियो कुछ इस तरह था, आपको क्या करना है कि आपको एक पॉइंट पे लेके जाना है इसको, और जहाँ से ये लेफ्ट की तरफ पास आउट होगा वहाँ आपको रोकना है, यहाँ पे हाँ जी बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे मार्क कर लें ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम अभी वापस आएँ तो आपको याद रहे। तो इस पर आपको क्लिक करना है और आपको इसकी एक कैप्चर लेनी है, सेव कैप्चर एंड सेव ले हेड पर क्लिक करना और एक इमेज लेनी, इमेज कैप्चर करनी है आपको। तो इमेज कैप्चर करने के बाद आपको क्या करना है, बैकग्राउंड इरेजर डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लें आप लोग। उसके बाद क्या करना है आपको, इसे आपको इस उसके बाद आपको इमेज सेलेक्ट करनी है जो आपने इमेज अभी ली है, और उसके बाद इसको आपको इरेज करना है राइट साइड का पोर्शन। मैं आपको इरेज करके दिखाता हूँ अभी, जो राइट साइड का पोर्शन है उसे आपको इरेज करना है। तो मैं फास्टली इरेज कर देता हूँ और वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो मैं इरेज करके आपको मिलता हूँ। तो इस तरह से आपको राइट साइड का जो पोर्शन है पूरा इरेज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद डन पे करेंगे, उसके बाद सेव कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। और सेव करने के बाद वापस आपको काइन मास्टर में आना है। काइन मास्टर में आपको जहाँ पे आपने टैब किया था अभी, जहाँ पे आपने कैप्चर लिया है वहीं पे जाना है, और कहीं नहीं जाना आपको। हाँ, और यहीं पे जाना है। उसके बाद लेयर में जाना है, मीडिया में, और जो आपने इमेज कैप्चर करके इरेज किया है उसे ऐड करना है लेयर पे। तो उसे ऐड करेंगे तो इसे आपको फुल स्क्रीन में करना है, यहाँ पे करके आप फुल स्क्रीन में कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे आप इसे करेंगे तो आप एक बार देख लें कि कैसे आप कैसा इफ़ेक्ट आ रहा है। इसमें बिल्कुल ही वैनिश इफेक्ट आ रहा है, जैसा मैंने अभी आपने वीडियो में देखा वैसा इफेक्ट आएगा बिल्कुल ही। तो ये मैंने जल्दी में वीडियो बनाई थी, तो ये मैंने इस तरह बना लिया वीडियो। आप चाहे तो अपने तरीके से और अपने हिसाब से जैसा आपको अच्छा लगे, और जिस टाइप की भी वैनिश इफ एडिटिंग आप चाहते हैं, जिस टाइप का वैनिश इफेक्ट आप चाहते हैं आप डाल सकते हैं इस एडिटिंग के तहत। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा ये एडिटिंग इफेक्ट। और मैं आगे भी एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा और भी चीज़ें लेके आऊँगा, बट ऐसी भी चीज़ें लेके आऊँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तब तक के लिए बाय।